अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्टूडेंट मार्कशीट में से टॉप 10 स्टूडेंट को और बॉटम 10 स्टूडेंट को क्राइटेरिया के साथ अलग अलग करना है। टॉप 10 स्टूडेंट को अलग और बॉटम 10 स्टूडेंट को हमने क्राइटेरिया वाइज अलग करना है। क्राइटेरिया पे यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू मार्कशीट का या ऑब्टेन मार्क्स का फर्स्ट सेल ग्रेटर देन इक्वल टू लार्ज का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। लार्ज टैब प्रेस किया, फार्मूला ओपन हो गया। एरे में पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है ऑब्टेन मार्क्स का और F4 के साथ इसको फिक्स करना है या फ्रीज करना है, कॉमा। यहाँ पे आपने जितने स्टूडेंट का टॉप वैल्यू मालूम करना है 2, 5 या 10 वो लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर करना है। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। अब हमने पूरा ऑब्टेन मार्क्स का जो टेबल है या शीट है उसको सेलेक्ट करना है, डेटा पे जाना है, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। एडवांस फिल्टर का पहला एक्शन जो है वो है लिस्ट रेंज, जो कि ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया है। क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट करना है, जहाँ पे क्राइटेरिया रखा है दोनों को सेलेक्ट किया। कॉपी टू अनदर लोकेशन की जगह पे यहाँ पे जिस सेल से आपने कॉपी करना है यानी नेम और ऑब्टेन मार्क्स, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और ओके करना है। इसी टाइटल के नीचे, कॉपी टू के नीचे 10 स्टूडेंट का, टॉप 10 स्टूडेंट का हमने रिज़ल्ट अलग किया। अगर इसको आप टॉप वैल्यू से करना है तो पूरा जो 10 स्टूडेंट है उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सॉर्ट पे जाना है, इसको सॉर्ट करना है और यहाँ नेम की जगह हम ऑब्टेन मार्क्स कर देंगे और सॉर्ट ऑन यहाँ वैल्यू ही रखेंगे, सेल वैल्यू, और यहाँ पे लार्जेस्ट को सेलेक्ट करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी सबसे टॉप स्टूडेंट का ऊपर आ जाए और उससे कम स्टूडेंट, कम नंबर वाला दूसरे नंबर पे, उससे कम तीसरे नंबर पे। इसी तरह बॉटम के 10 को हम अलग करेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया को हमने यहाँ पर चेंज करना है। उधर लार्जेस्ट का फार्मूला हमने यूज़ किया था, इस दफ़ा हम स्मॉलेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वो भी सेम इसी तरह का है, इक्वल टू फर्स्ट सेल ऑफ ऑब्टेन मार्क्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल, टैब प्रेस करना है, फार्मूला ओपन हो जाएगा। एरे की जगह पे ऑब्टेन मार्क्स वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट किया, F4 से इसको फिक्स करना है या लॉक करना है, कॉमा। कितने स्टूडेंट का, 10 स्टूडेंट का हमने रिज़ल्ट देखना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो यहाँ क्राइटेरिया रेडी हो गया। अब हमने दोबारा पूरा जो रिज़ल्ट शीट है उसको सेलेक्ट करना है और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे पहले भी क्लिक कर सकते हैं, लिस्ट रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट है या दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया रेंज जहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ किया है, क्राइटेरिया वाला, क्राइटेरिया के नीचे हमने फार्मूला यूज़ किया, इन दोनों सेल को आपने सेलेक्ट करना है। कॉपी टू जहाँ पे आपने बॉटम के 10 स्टूडेंट को रखना है वो टाइटल सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो यहाँ पे आपके पास बॉटम के 10 स्टूडेंट आ गए हैं। इसको अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है तो दोबारा सॉर्ट पे जाना है, सॉर्ट बाय ऑब्टेन मार्क्स, वैल्यू को वैल्यू ही रहने दें, और दूसरे साल ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है, सिर्फ ओके करना है। तो सबसे कम नंबर वाला स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे नीचे, उससे ज़्यादा, उससे नीचे, उससे ज़्यादा। तो इस तरतीब को आप जो है सेल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डेटा के लिए इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, इस क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्राइटेरिया में स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट का फार्मूला यूज़ करना है, उसके बाद आपने लिस्ट के ऊपर अप्लाई करना है, वो सेल्स का हो, प्राइस का हो, मार्कशीट हो या कि कोई और टारगेट हो। तो इसके लिए हम इजीली लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट का फार्मूला विद क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं एडवांस फिल्टर की रूप से। एडवांस फिल्टर की मदद से हम बहुत सारे फार्मूले यूज़ कर सकते हैं।
हमने बहुत सारे फार्मूले यूज़ भी कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो की लाइक कर दें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।